देख रहे हैं एबीएन न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। बड़ी खबर बिहार से, तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी। आगामी चुनाव से पहले आपसी तालमेल बिगड़ा, मुकेश सहनी ने लगाए तेजस्वी यादव के गंभीर आरोप। मुकेश सहनी बोले, युवाओं से डरते हैं तेजस्वी यादव। तो बिहार से युवा से मतलब नहीं है, हर युवा से डरता है। आप देखिए कन्हैया जी, उस समय में लोकसभा में एक सीट पे गठबंधन कर लेते, वो सांसद बन जाते तो उनको उससे समस्या नजर आया। वही चिराग जी हो या मुकेश सहनी हो, हर किसी से उनको समस्या, उनको तो अपने भाई से समस्या है। उनको अपने भाई को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। कल आप लोगों ने टीवी पे देखा कि उन्होंने चक्कर आके गिर गया, ऐसी कुछ बात नहीं है। वो कल नाराजगी व्यक्त कर दिए थे कि हमें कुछ सीट चाहिए और हमारे लोगों को लड़ाना है, वो सहमति नहीं बन पा रहा था, उन्होंने बायकॉट किया कि हम किसी भी नहीं जाएंगे और इस तरीके से तबियत खराब होने का बहाना किया गया। फिर बाद में मान मनोबल किया गया और फिर उनको साथ में लाया गया। सच्चाई ये था, क्योंकि मैं कल 12:30 बजे से 10 नंबर बंगले पे ही था और मैंने देखा, जब मैं गया था तभी मैंने देखा हम तेज प्रताप जी से मिले। उसके बाद जब सहमति बन गया तो लास्ट में भी जब तेज प्रताप जी आए तो उनसे हमने मिला। अब बहुत व्यवहारिक लोग हैं तेज प्रताप जी, लेकिन वो अपने भाई को जब पीछे रखने का कोशिश कर रहा तो भला अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा वो कैसे आगे लाएंगे। आज वो देख रहे हैं कि बिहार में अति पिछड़ा का उभरते हुए सितारा सनक मल्ला है। कल अगर ये अपने पैर को जमा लेंगे तो हमें आने वाले समय में राजनीति करना बहुत कठिन हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने साथ रखते, कल से दो दिन पहले जब मैं फिर 10 नंबर में गया था, बहुत सारे बातें हुआ। उन्होंने खुद बोला कि आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़िएगा तो डिप्टी सीएम कैसे बनिएगा। तो हमने बोला कि कहीं से लड़ लेंगे। उसके बाद जब गिनती हो रहा था कि 65 सीट कांग्रेस को देना है, वाम दल को 27 सीट देना है, 3 सीट हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को देना है, 25 सीट आपको देना है, फिर हमारे पास बचेगा कितना है। तो हमने कहा आधा सीट बच रहा है, 123 सीट बच रहा है, काफी है। पिछली बार तो आप 100 सीट में लड़े थे। जब ये सारे बातें 2 दिन पूर्व में ही उनके आवाज पे हो गया था, उसके बावजूद भी वो मुझे अंधेरे में रखने का कोशिश किया। आपने देखा कि जीतन राम मांझी जी ने दलित का बेटा, सिर्फ एक छोटा सा डिमांड रखा था कोऑर्डिनेशन कमेटी कि जो भी बात हो सबके बीच में बात हो। उनके मन में पहले से ही था कि हमें लोगों को चिटिंग करना है और 1-to-1 बात करना है। तो वहां पे 1-to-1 बात करेंगे तो निश्चित तौर पे कभी भी किसी को झुटला देंगे। तो जीतन राम मांझी को बात नहीं मान के किस तरीके से उसको बेइज्जत करके बाहर निकाला गया, किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी जब केंद्र में मिनिस्टर थे, एनडीए के साथ थे, उनके साथ संबंध करके 5 लोकसभा देने के बाद उनको अपने घर में लाने के बाद उनको किस तरीके से पिछड़ा का बेटा को धक्का मार के बाहर निकाला गया, आप लोग से छुपा हुआ चीज नहीं है। और कहीं ना कहीं मेरे साथ भी वो इसी तरीके से षड्यंत्र रचने का उन्होंने काम करने लगा था।